NCR में आज भी मौसम कूल कूल बना हुआ है। हालांकि बीच बीच में धूप के दर्शन भी हो रहे हैं। मौसम विभाग ने आज के लिए येलो अलर्ट जारी किया है। आज बादल छाए रहेंगे, हल्की से मध्यम बारिश हो सकती है। वहीं कल हल्की बारिश होने की संभावना है। मौसम विभाग के अनुसार 16 और 17 सितंबर को मौसम शुष्क रहेगा, आंशिक बादल रहेंगे। 18 और 19 सितंबर को एक बार फिर हल्की बारिश की संभावना जताई गई है। एक रिपोर्ट के अनुसार दिल्ली में बारिश का मुख्य कारण पश्चिमी यूपी में बना डिप्रेशन है। अब यह डिप्रेशन कमजोर पड़ चुका है और दिल्ली से दूर जा रहा है। डिप्रेशन के शिफ्टिंग से मॉनसून टर्फ भी दिल्ली के पास से खिसक जाएगा, इससे बारिश काफी कम रह जाएगी। शनिवार को भारी बारिश की संभावना कम है। दिन के पहले हिस्से में एक दो जगहों पर तेज बौछारें आ सकती है। जैसे जैसे दिन बढ़ेगा मौसम में सुधार आ जाएगा। शनिवार और रविवार को धूप भी निकल सकती है, साथ ही तापमान में 2 से 3 डिग्री का इजाफा हो सकता है। कम से कम अगले एक हफ्ते तक कोई भारी बारिश की स्थिति की संभावना नहीं दिख रही है। देहरादून में भी पिछले 2 दिनों से रुक रुक कर लगातार बारिश हो रही है। रुद्रप्रयाग जिले में रिकॉर्ड बारिश हो रही है। कल पौड़ी जिले में कई स्थानों पर तेज बारिश के साथ आकाशीय बिजली चमकने की संभावना है। नैनीताल में भी भारी बारिश की चेतावनी जारी है। 4 जिलों में भारी बारिश हो सकती है, जिसमें टिहरी, बागेश्वर, चंपावत और पिथौरागढ़ शामिल है। बात अगर उत्तर प्रदेश की करें तो आज रात से लखनऊ में बारिश की संभावना है। तापमान 27 डिग्री सेल्सियस से 34 डिग्री सेल्सियस तक रहेगा। आंधी बारिश के साथ बिजली चमक सकती है। वाराणसी में भी बारिश की संभावना है। तापमान 26 डिग्री सेल्सियस से 31 डिग्री सेल्सियस तक रहेगा। बांदा जिले में भी बारिश के साथ गरज की संभावना है। इसके अलावा यूपी के अन्य हिस्सों में भी हल्की से मध्यम बारिश का सिलसिला जारी रहेगा। बात अगर हिमाचल प्रदेश की करें तो हिमाचल प्रदेश के कई हिस्सों में जारी बारिश के कारण कुल 31 सड़कें यातायात के लिए बंद कर दी गई है। अधिकारियों ने शुक्रवार को यह जानकारी दी है। मौसम विभाग ने शिमला और सिरमौर जिलों के कुछ हिस्सों में शनिवार तक मध्यम बाढ़ के खतरे की चेतावनी जारी की है। राज्य के कुछ हिस्सों में हल्की बारिश जारी रही और गुरुवार शाम से गुलेर में सबसे अधिक 64.2 मिलीमीटर बारिश दर्ज की गई, जबकि पालमपुर में 46.4 मिलीमीटर, धर्मशाला में 43 मिलीमीटर, कल्पा में 30 मिलीमीटर, सलापर में 27.1 मिलीमीटर, सोलन में 26.2 मिलीमीटर, शिमला में 26 मिलीमीटर, चौपल में 21.4 मिलीमीटर, सांगला में 20.8 मिलीमीटर, जुबरहट्टी में 20.5 मिलीमीटर, नैना देवी में 18.4 मिलीमीटर और धौलाकुआ में 13.5 मिलीमीटर बारिश दर्ज की गई है। मौसम विभाग के सभी अपडेट्स जानने के लिए बने रहिए न्यूज स्टेट के साथ। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर। खबरों के ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस QR कोड को स्कैन करें।